असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार विजयादशमी रविवार को पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से प्रशासनों के नियमों के पालन के साथ दशहरा मनाया गया। इसी बीच NBCN की टीम पहुंची नागपुर के करण कोठारी ज्वेलर्स, जानने के लिए इस साल ग्राहकों ने गहनों की खरीदारी करते समय क्या बदलाव देखे। भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहार आते ही ग्राहकों की भीड़ बाजारों की ओर उमड़ पड़ती है और यही समय व्यापारियों की अच्छी कमाई का होता है। परंतु इस साल कोरोना के चलते बाजारों में उतनी चहल पहल नहीं दिखी। फिर भी नवरात्रि शुरू होने के बाद ग्राहकों ने बाजारों की ओर रुख किया, जिसके बाद उन्हें खरीदारी करते दरमियान काफी बदलाव देखने मिले और ग्राहकों की इसी अनुभव को जानने के लिए NBCN की टीम पहुंची करण कोठारी ज्वेलर्स। असत्य पर सत्य की विजय का विजयादशमी ये त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, परंतु कोरोना के चलते इस त्यौहार में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल करण कोठारी ज्वेलर्स में ग्राहकों का एक्सपीरियंस क्या है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार? जी, बदलाव तो बहुत कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है, सभी चीज़ों पे और सभी बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जैसा अभी कुछ दिनों से या कुछ ये महीने से जैसा कोरोना काफ़ी कम हुआ है तो लोग घर से बाहर निकल रहे खरीदी करने के लिए, और ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस साल का। मैं तो बोलूँगा कि दशहरा आया वो कोरोना कम हुआ है तो उसके हिसाब से, और दशहरा भी है तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दुकानें काफ़ी खुली हुई है और शॉपिंग भी अच्छी हो रही है। नहीं तो 6 महीने से सब घर में ही थे हम लोग, अभी जस्ट दिवाली दशहरा से हम लोग घर के बाहर निकले तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म हो जाए यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो पिछले कितने साल से आप करण कोठारी ज्वेलर्स से शॉपिंग करते हैं और जब पहले कोरोना नहीं था और अब कोरोना है तो करण कोठारी ज्वेलर्स ने किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? मैं कम से कम 5 साल पहले आया था यहाँ पे, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो मैं एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए मैं यहीं पे आया था और तब भी अच्छा ही था, और अभी जब कोरोना की वजह से उन्होंने जो प्रिकॉशन लिए हैं वो भी काफ़ी अच्छा है, मेंटेनेंस है और उसके बाद में कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग है और अच्छा है। और ये जो गहनों में एक अलग मतलब हमें डिज़ाइन सही होते हमेशा, तो किस तरह के डिज़ाइन आपको इस साल करण कोठारी में देखने मिले? ये यहाँ पे तो अभी बहुत चेंजेस हो गए, मैं जब जैसा आया था एक बार तो उतने डिज़ाइन नहीं थे, लेकिन अभी जब मैं 4-5 साल बाद जैसा आया हूँ तो मुझे रिंग में और बाकी ज्वेलर में बहुत सारे टाइप के चेंजेस मिले हैं यहाँ पे और अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे चेंजेस और कितना पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे ग्राहक ने दिया है। उनका कहना है कि करण कोठारी ज्वेलर्स द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सारे एहतियात बरते जा रहे हैं और साथ ही जो गहने की क्वालिटी है, डिज़ाइन है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो करण कोठारी ज्वेलर्स में हम आए हैं और यहाँ पे हम अपने ग्राहकों से पूछ रहे हैं कि उनको करण कोठारी ज्वेलर्स में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, साथ ही किस तरीके से डिज़ाइन इनको यहाँ पे मिल रही है। मैम, जैसे आपको पता है कि ये दशहरा का आज दिन है और स्पेशली लेडीज को गहनों का क्रेज होता है, तो करण कोठारी ज्वेलर्स में आने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे? डिज़ाइंस काफ़ी बढ़ गए हैं यहाँ पे, पहले से जो पहले उनके डिज़ाइंस थे उसे काफ़ी डिज़ाइंस में भी न्यू डिज़ाइंस आ गई हैं, प्लस स्टोन में भी, डायमंड में भी और इवन सिल्वर में भी काफ़ी वैरायटी हो गई है उनके पास में अभी पहले से। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर, यहाँ पे मतलब कोरोना के बाद आप शायद यहाँ पे आए होंगे, तो क्या क्या बदलाव आपको देख रहे हैं, क्या करण कोठारी ज्वेलर्स द्वारा सारे एहतियात बरते जा रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अपना लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर पूरी फैसिलिटी दी गई है, पूरा सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है और हर जगह हर लोगों ने मास्क लगाया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है इन लोगों ने। शॉपिंग कर रहे हैं? शॉपिंग बोले तो हमारा ये 3rd जनरेशन है जो यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है, तो आज दशहरे के इसमें हमने कोठारी ज्वेलरी से इसके लिए ख़रीदा है, तो हम लोग सालों से यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी तीसरी पीढ़ी है ये जो यहाँ पे शॉपिंग कर रही है, मतलब हम समझ सकते हैं कि ग्राहकों का करण कोठारी ज्वेलर्स पे एक बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट है।
हालांकि कोरोना के चलते त्योहारों में थोड़ी फीकाहट जरूर है, परंतु फिर भी ग्राहक प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही व्यापारियों द्वारा भी सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। करण कोठारी ज्वेलर्स द्वारा हमेशा ग्राहकों को आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें वहां सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के गहने मिलेंगे और वो करण कोठारी द्वारा निभाया भी जाता है। इसीलिए करण कोठारी में अब दिवाली के लिए नए डिजाइन और सर्वोत्कृष्ट गहने ग्राहकों के लिए उपलब्ध किए गए हैं। दशहरा एक जो है एक अच्छा दिन माना जाता है सोने की खरीदी को, और क्योंकि सोने का एक पुरानी विधि है कि सोने का लेन देन किया जाता है, तो उस दिन सोने का कोई भी एक वेठोड़ा हो, क्वाइन हो, वो परचेस करना चाहिए और सभी जनों को सुख समृद्धि और हेल्थ की सुख समृद्धि रहे, ये हमारी तरफ से उद्देश्य है। सर, जैसे अभी पहले जो था कोरोना नहीं था और इस साल कोरोना है, तो दशहरे के दिन क्या क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं कि पहले जो दशहरा होता था और इस बार जो दशहरा हो रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं? चेंज तो अभी काफ़ी समय से लोग घर से बाहर निकले हैं तो खरीदी का उत्साह है उन लोगों में, और क्योंकि सोने के भाव भी जो 55-58 हज़ार हो गए थे अब वो 50-52 हज़ार के लिमिट में है। आज जैसे 52 हज़ार का रेट है 51,600 का, तो लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा है खरीदी के लिए, और आगे उनके यहाँ जो शादी का पर्व है और आगे जो बुकिंग है धनतेरस की, तो उस हिसाब से लोग खरीदी कर रहे हैं। सर, हमने अभी देखा कि बहुत सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे, तो और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करण कोठारी द्वारा लिए जा रहे ताकि ग्राहकों को सुरक्षा मिले, वो संतुष्ट रहे ऐसा? कोरोना के हिसाब से जो भी एक नियम गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरा हम लोग ध्यान रख के वो हमारे स्टाफ हो या जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी सारी चीज़ों को कि सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है।